अगर आप भी हमारे तरह के यूट्यूबर हैं और आप चाहते हैं कि आपका चैनल यूट्यूब से डिलीट ना हो तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इस टॉपिक पे जो कि 12 दिसंबर को नई अपडेट आने वाली, आपने बहुत सारे वीडियो देख लिया होगा जिसमें कि आपको बताया गया होगा कि अगर आपका यूट्यूब चैनल एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली नहीं है तो आपका यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए और किस तरह का कंटेंट नहीं बनाना चाहिए जो कि एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं होता है। और साथ ही एक कमेंट जो कि हमारे व्यूअर ने पूछा हमसे, क्या सर संदीप महेश्वरी सर का यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा क्योंकि उनके चैनल पे भी एड नहीं आता है। तो इन तमाम सवालों का जवाब मैं इस यूट्यूब वीडियो में दूंगा, तो आप लोग इस वीडियो को आगे देखिएगा। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जो है वो ऑन कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको किस तरह का कंटेंट जो है नहीं बनाने चाहिए। आपको ऐसे कंटेंट नहीं बनाने चाहिए जो गूगल के टर्म एंड पॉलिसी को अवॉइड करता है, जैसे कि कोई एडल्ट कंटेंट या कोई बर्गर कंटेंट जो है आपको नहीं बनाने चाहिए। कुछ ऐसे भी कंटेंट नहीं बनाने चाहिए जिसमें कि मर्डर, सुसाइड या फिर वीपन्स वगैरह के तस्वीरें या वीडियो इंक्लूड हो। इस तरह के जो वीडियो होते हैं वो बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं। तो अगर आप इस तरह के कंटेंट बनाते हैं तो आपका पी स्कोर बिगड़ता है। अब पी स्कोर के बारे में हम बता दें कि पी स्कोर जो होता है वो होता है गूगल परफेक्ट स्कोर होता है, जो कि ये डिसीजन लेता है कि कौन से कंटेंट जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली होता है। तो अगर आप ऐसे कंटेंट डालते हैं तो आपका जो पी स्कोर होता है वो खराब होगा और आपके चैनल पे एड नहीं आएंगे, जिससे यूट्यूब की कमाई नहीं होगी और आपकी कमाई भी नहीं होगी। तो ऐसे वीडियो अगर आप बनाते हैं तो आपका चैनल हो सकता है यूट्यूब डिलीट कर दे। तो आपको कंटेंट बनाने कैसे चाहिए? आपको कंटेंट ऐसे बनाने चाहिए जो कि यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन में हो, जैसे कि मोटिवेशनल वीडियो बनाने चाहिए, न्यूज से रिलेटेड वीडियो बनाने चाहिए जैसा कि हम बनाते हैं, आपको चाहिए पोएट्री से रिलेटेड कंटेंट बनाने, एजुकेशन से रिलेटेड या फिर टेक कंटेंट बनाने चाहिए जो कि यूट्यूब के अंदर लिस्टेड है, वो तमाम कंटेंटों के ऊपर आपको वीडियो बनाने चाहिए। अब आखिरी सवाल का हम जवाब दे देते हैं जो कि हमारे व्यूअर ने हमसे पूछा था, क्या संदीप महेश्वरी सर का यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा या नहीं। आपको बता दें कि संदीप महेश्वरी जो है मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं और उनका कंटेंट जो है बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली नहीं है, ऐसा नहीं है, उनका कंटेंट जो है एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली है। हो सकता है उन्होंने अपने खुद के वजह से एडवर्टाइजमेंट वगैरह अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं लगाया हो, वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा नहीं कमाना चाहते हो, तो उनका चैनल जो है यूट्यूब डिलीट करेगा या नहीं। तो आपको बता दें कि उनका जो चैनल है यूट्यूब बिल्कुल डिलीट नहीं करेगा, यूट्यूब को उनके चैनल से जरूर कमाई होती भले ही संदीप महेश्वरी सर को हो या ना हो, क्योंकि यूट्यूब जो होता है अपना एडवर्टाइजमेंट अपने वेबसाइट पे कहीं भी लगा सकता है, उसके लिए यूट्यूब बाउंडेड नहीं। अगर आप ना चाहते हुए भी यूट्यूब आपके